खबर जयपुर से है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवीश शेखावत ने मीडिया से बताया कि राज्य सरकार से समय समय पर नियम निर्देश आते हैं झोला छाप पर कार्रवाई करने के लिए। डॉक्टर शेखावत ने बताया कि इन्हें झोला छाप डॉक्टर ना बोले, इनके आगे डॉक्टर लगाना ही गलत है। अगर ऐसे व्यक्ति जो झोला छाप का काम कर रहे हैं, जब जब हमारे पास शिकायत आती है, जैसे 181 से या लिखित या पीड़ित लोगों के द्वारा या अन्य तरीके से शिकायत मिलती है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जयपुर प्रथम संपूर्ण क्षेत्र के अंदर इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी इलाका भी है और कुछ दिन पहले भी हमारे द्वारा जमवा रामगढ़ में कार्रवाई हुई है, जयपुर शहर खातीपुरा में भी हुई है और इनके ऊपर हमारी टीम इसके साथ साथ जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के साथ समय समय पर कार्रवाई करती रहती है। झोला छाप का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हमें कोई शिकायत मिलती है, हमें किसी तरह से या तो 181 से या फिर कोई लिखित में कोई शिकायत मिलती है या अन्य कोई तरीके हैं उनसे हमें शिकायत मिलती है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है जयपुर प्रथम के संपूर्ण क्षेत्र के अंदर, जिसके अंदर ग्रामीण इलाका भी है, शहरी इलाका भी है। तो अभी कुछ दिन पहले कुछ कार्रवाई आपके द्वारा की गई थी, तो कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंटों पर हुई थी? कुछ दिन पहले अभी हमने कार्रवाई कराई है, जमवा रामगढ़ के अंदर हुई है, जयपुर शहर के अंदर हुई है, अपने खातीपुरा के अंदर हुई है, तो उनके ऊपर हमारी टीम गई है, प्रशासन की मदद रही, प्रशासन साथ में था और वहाँ पे जाके देखा है, जो कमी आई है उन लोगों को बताया है और जो चीज़ें वैध नहीं थी उन चीज़ों के लिए उनको बता दिया गया था। जो डॉक्टर साहब जो वहाँ पर काम कर रहे थे वो रिटायर्ड डॉक्टर है, तो उस हिसाब से उनको बता दिया था कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी ऐसा नहीं था कि उनकी जगह कोई वहाँ काम कर रहा था, वो डॉक्टर साहब खुद ही थे। सर, जैसा देखा जाता है सरकार और आप लोगों के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जाती है, पर कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए फिर भी रोकथाम उन लोगों पर नकेल नहीं कस पाती, तो इसका क्या एक सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जनता की जागरूकता कम है। जनता जब भी जाए तो जिसके पास में भी दिखाने जाती है उनके यहाँ पे, वो जनता का ये अधिकार है कि वो पूछे कि आपका राजस्थान मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट कहाँ है। तो अगर किसी का राजस्थान मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट हो तो वैसे ही वैद्य डॉक्टर है, तो वहाँ पे तो कुछ और चीज़ पूछने की बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, जो लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं तो उनपे अगर बार बार विभाग की तरफ से इस तरह की कार्रवाई होगी तो उनमें वैसे ही भय व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और 420 के अंदर ये दंडनीय अपराध है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आप लोग लगातार इन लोगों पर कार्रवाई करते रहते हैं, उसके बावजूद ये लोग कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या सामने आता है कि पॉलिटिक्स का या कोई? नहीं, पॉलिटिक्स का तो मैं नहीं बताऊंगा। कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र में किसी को भी स्वास्थ्य के प्रति कोई खिलवाड़ हो। तो पॉलिटिक्स का तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है जनता थोड़ी सी जागरूक हो और अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें, अपने परिवारजनों का खुद ध्यान रखें और ये इंश्योर कर लें कि उन्हें एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो RMC द्वारा स्वीकृत करा गया है उन्हीं के पास में जाए, वहाँ पर जाके वो अपना इलाज कराएं। समाज को आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे ऐसे झोला छापों के लिए? समाज को मेरी उनसे विनती रहेगी, जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, कि उनसे हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि वो इस तरह का कृत्य नहीं करें, लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ नहीं करें। और समस्त जयपुर की जनता से ये निवेदन रहेगा कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा अधिकृत जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास ही जाएं, वहाँ पे उनके सर्टिफिकेट होता है, हर किसी के पास नंबर होता है रजिस्टर्ड मेडिकल काउंसिल के अंदर, तो उसी आदमी के पास में जाएं, उसी डॉक्टर के पास में जाएं जो अधिकृत है और उसी चीज़ के लिए जाएं जो जिस चीज़ के लिए उसको अधिकृत करा गया है।